तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, ऐसा नालायक बेटा होगा तो घर कैसे चलेगा। दिल्ली के जंत्र मंत्र पहुंच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पहलवानों से की मुलाकात। दिल्ली में हो रहे एयर पोल्यूशन पर एक बार फिर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, बीते 6 सालों में यह 30% कम हुआ है। अनिशियल गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। तेल कंपनियों ने कीमतों में 171.50 रुपए की कटौती की। जाने दिल्ली यूपी से लेकर अन्य राज्यों के दाम। कांग्रेस ने आपको 91 बार गालियां दी। कर्नाटक में पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी। कहा, आपने ये नहीं बताया कि प्रदेश के लिए क्या किया। केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 14 मोबाइल मैसेंजर एप्स किए ब्लॉक। कश्मीर में आतंकियों को मिलते थे पाकिस्तान से मैसेज। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए महिला पहलवानों के बयान। ब्रिज भूषण शरण सिंह से भी जल्द हो सकती है पूछताछ। ऐसा पहला पीएम है जिसे मैंने लोगों के सामने रोते देखा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद गरमाई राजनीति। मुफ्त सिलेंडर, ब्याज मुक्त लोन, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कर्नाटक में बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में जेपी नड्डा ने किए कई वादे। पोच आतंकी हमले के बाद सैन्य सुरक्षा बढ़ी। हर 2 किलोमीटर पर मिलिट्री पुलिस के चेक पोस्ट होंगे। रोड ओपनिंग क्लियरेशन, बिना नहीं जाएगी सैनिकों की गाड़ियां। रावण से भी बड़ा अहंकार। WFI अध्यक्ष ब्रिज भूषण के आरोप पर पहलवानों ने किया पलटवार। कहा, सांसद तो हजारों लेकिन मेडल कितने। सुप्रीम कोर्ट दे सकती है तलाक आदेश। 6 महीने की कानूनी बाध्यता भी जरूरी नहीं। 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया अहम फैसला। क्या शीलाजीत के साथ रोटी खाता हूँ। 1000 लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में बोले WFI अध्यक्ष ब्रिज भूषण शरण सिंह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप के बाद बेटे प्रियांक की विवादित टिप्पणी। पीएम मोदी को बताया नालायक बेटा। देशद्रोह कानून में बदलाव के लिए मानसूत्र सत्र में प्रस्ताव लाएगी केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट से कहा, अंतिम चरण में समीक्षा। पीएम मोदी केवल अपना महिमा मंडन करते हैं, सीएम बॉम्बे तक का नहीं लेते नाम। कर्नाटक में राहुल गांधी ने किया कटाक्ष। चीन से कभी भी हो सकता है युद्ध। नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार बोले, हिंद महासागर में मौजूद है ड्रैगन के कई सारे वॉरशिप। यूपी के जौनपुर में निकाय चुनाव से पहले बीजेपी का भागवत करने वालों पर एक्शन। 21 भागियों को 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर बढ़ता जा रहा बवाल। बीजेपी ने सीएम आवास के बाहर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। फिर हुई पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक। मैसूर में रोड शो के दौरान महिला ने फूलों के साथ फेंका मोबाइल। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में मुस्लिम पक्षकारों को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। अब नए सिरे से होगी सुनवाई। अब सुरक्षित हाथों में है देश। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मिली धमकियों पर एक्ट्रेस कंगना रनौत का दो टूक जवाब। बारिश, बर्फबारी और भूस्खलन से केदारनाथ यात्रा हुई ठप। 3 मई तक नहीं होगा तीर्थ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज सुबह 9 बजे जारी करेगी अपना मैनिफेस्टो। यूपी में गन्ना किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए योगी सरकार की बड़ी तैयारी। ड्रिप इरिगेशन के लिए किसानों को देगी 20% ब्याज मुक्त ऋण। जल्द ही दुनिया की नंबर 1 स्पोर्ट्स लीग बनेगा IPL। इंडियन प्रीमियर लीग के जन्मदाता ललित मोदी ने की बड़ी भविष्यवाणी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना दिवस पर दी बधाई। पहलवानों को अनुशासनहीन बताने वाली IOA अध्यक्ष PT उषा खुद भी तोड़ चुकी है नियम। 1988 के ओलंपिक में देश को किया था शर्मसार। यूपी निकाय चुनाव के बीच नेपाल से सटी भारत की सीमा को मतदान से 48 घंटे पहले किया जाएगा सील। जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जारी किए निर्देश। फिल्म द केरल स्टोरी की नैरेटिव को देख बढ़ के कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले, ये आपकी स्टोरी हो सकती है, हमारी नहीं।